जिसमें ला रफमान रही तो वी आर डिस्कसिंग इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो कि ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक मेजर टूल है इसमें हमने बात की है जर्नली आर एम इज़ एप्लीकेबल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन लेकिन हमारा एक पर्टिकुलर सेक्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर तो वहाँ पर इसकी इम्प्लीकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो वी विल बी डिस्कसिंग इट सेपरेटली थोड़ा सा एड ऑन वट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर मैन वी से फाइनेंशियल सेक्टर विल मीन बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एवनी वेयर वहाँ पे फंड मैनेजमेंट हो रही है पीपल आर इन एंड दे आर लोकेशन द नीड ऑफ़ ये इन द फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एज विद अदर बिजनेस सेक्टर इज ड्रिवन बाई एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल प्रेसर यानी कि वट रिक्वायर दैम कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो रिक्वायर करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं कि ये ई आर एम का सिस्टम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स आर कॉमन फॉर ऑल बिजनेस कुछ तो हैं, जो सब के हैं। जैसे सबके लिए एप्लीकेबल है जैसे कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको लिस्टेड कंपनीज के रूल्स गवर्न करते हैं कि जी आपने ये इसको फॉलो करना ही करना है दैन वी हैव अकाउंटिंग बॉडीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि यू हैव टू फुलफिल और मीट सर्टन क्राइटेरिया दैन वी हैव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि गाइड करते हैं मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं एंड गवर्नमेंट एज अ लार्ज एंड स्पेसिफिकली द रेगूलेटर ये तो सब बिजनेसिस पे अप्लाई हो रहे होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है बट दीज आर वन ऑफ फ्यू ऑफ द मेजर एक्सटर्नल फैक्टर जो जिसकी वजह से हम ई आर एम की तरफ जा रहे हैं अदर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के दे आर कॉम दे कम फ्राम बैंक एंड इंश्योरेंस रेगुलेटर अगर आप बात करें जर्नली रेगुलेशन हार हैं कि हम चाह रहे हैं सारे बिजनेसिस अच्छे चलें बट वेन इट्स पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेन इट्स जर्नली पब्लिक मनी इन्वॉल्व तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो स्टेट बैंक इज़ द रेगूलेटर एंड एस सी सी इज़ रेगुलेटर फॉर नॉन बैंकिंग तो अब स्टेट बैंक ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रखे हैं क्योंकि लोगों ने पैसे अपने बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अब बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ जा दी है किसी की सेविंग है कोई बेचारे ने रिटायरमेंट के लिए रखे हुए हैं तो ऑल काइंड ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक इज देयर तो दे आर वेरी स्ट्रेंडेंट तो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े ज्यादा है द इंटरनल प्रेशर कम फ्राम बिजनेस एंड कंडीशन एंड रिस्क यूनिक टू इंडस्ट्री एक्सटर्नल तो हो गए रेगुलेटर मेनली जो कह रहे हैं बाकी इंटरनल नीड्स भी हमारी बहुत बढ़ गई हैं वो किस तरह बढ़ गई हैं पर्टिकुलरली दो अराइजिंग फ्राम कंपेटिटिव एनवाइ कॉम्पिटिशन इतना लेवल बढ़ गया है कि अब एक अच्छे ई आर एम की नीड बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो गई फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस हैव डिस्टिंक्ट कंपेरेटिव रीजन टू गेट ई आर एम राइट कॉम्पिटिशन की वजह से ई आर एम ठीक होना भी ज़रूरी है वो भी हम डेमोस्ट्रेट भी करते हैं कि ये कैसे होगा फाइनेंशियल फाइनेंस्टिट्यूशन आर नाउ एक्सपीरियंसिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटिजिक एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम दैट लेंड दैम सेल्व टूअर्ड्स ई आर एम तो उनकी अपनी यूनिक इशूज बढ़ गए हैं तो इसलिए इनको ई आर एम की तरफ जाना इनएविटेबल हो गया दे आई मस्ट हैव टू डू दैट इंश्योरेंस सेक्टर फॉर एग्जाम्पल जैसे गाड़ियों की भी इंश्योरेंस कर रहे होते हैं तो पीपल पे दैम इन एडवांस देन दे पे द क्लेम्स अब रोड एक्सीडेंट्स ये चीज़ें हमारी इतनी ज़्यादा हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्लेम्स पे करने पड़ते हैं एंड कॉम्पटिशन इज मच कि दे कैन नॉट चार्ज अ हाई प्रीमियम तो इनकी भी स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी तो ही ये कंपेटिटिव हो सकेंगे एंड दे विल बी एबल टू गेट द बिजनेस अदरवाइज दे विल बी वाइट आउट और उनका बिजनेस जो है वो लूज़ कर रहा होगा द इंडस्ट्री इज ऑल्सो इन द मिड सेट ऑफ फंडामेंटल चेंजेस इंडस्ट्री में वैसे भी चेंजेस ओवर द पीरियड इतनी आ चुकी हैं कि इसकी नीड एपीटाइट बढ़ गई है फॉर एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द की इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है इंस्ट्रूमेंट टूल्स बदल गए हैं आज से हम कुछ साल पहले की बात करें तो जी एक ही तरीका था कि आप बैंक जाएँ तो पैसे मिलेंगे तो आपका बिल पे होगा बट नाउ वी हैव मोर देन टेन वेज टू पे योर यूटिलिटी बिल्स आप ईजी कैश कर लें जैज़ कैश कर दें ऑनलाइन पे कर दें किसी uh, नादरा के सेंटर पे पे कर दें तो मल्टीपल ऑप्शन हैव अराइज तो वो दैट्स रिक्वायर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोर रिस्क मैनेजमेंट सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है कस्टमर इज नाउ मोर मेच्योर दे रिक्वायर अ बेटर सर्विसेज एंड ई आर एम विल बी रिक्वायर्ड टू डील कैप विद दीज इंटरनल फैक्टर्स कन्वर्जेंस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कन्वर्जेंस होता है मिल जाना पहले इंश्योरेंस सेक्टर एक बिल्कुल सेपरेट था बैंकिंग सेक्टर सेपरेट था अब हर बैंक की ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी वाले जो थे उन्होंने बैंक बना लिए हैं तो अब वो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पहले दो सेपरेट थे तो एक का रिस्क दूसरा मैनेज करा था जब एक इकट्ठे ही हैं तो अब फिर अफेक्टिव ई ERM की नीड और ज़्यादा बढ़ गई है

स्टेक होल्डर्स जो है उनका है या जो उनके फंड पार्कड हैं जैसे कस्टमर्स के तो उनको लिए बहुत ज्यादा कोई ड्रिल डाउन इफेक्ट ना आ जाए अगर हम ई ERM की बात करें तो ई ERM में हमारे पास कुछ कोर कैपेबिलिटीज हैं ये कैसे ड्राइव हुई हैं ये ड्राइव हुई हैं आफ्टर 2008 जब एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद ये इसमें डेरिवेशन एग्जिस्ट की है तो अकॉर्डिंग टू एंड कंपनी 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस Highlighted several key requirements to institutions हमें बेटर रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है पूरी स्टॉक मार्केट बंद रही कुछ टाइम पे वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे एंड पीपल वर लूजिंग मनी डेली ऑन इन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिज इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इर्क थ्रू आउट दर्गनाइजेशन टू हैव एन ई आर एम स्ट्रक्चर कि हमें एक प्रॉपर ई आर एम का स्ट्रक्चर एक वार्ड है जो कि उसको बिल्ट इन करें तो ये जो रिपोर्ट है इनकी मकैनजी वालों की ये कहते हैं कि जी कुछ हमारे फाइव कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमें एड्रेस करनी है सो वी गेट अ बेटर ई आर एम टू वर्क इट आउट फर्स्ट इज रिस्क इन साइट एंड ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड टेल वॉट यूर डूइंग ओपन होना चाहिए हमारे ओपननेस की पीपल विल नो दे वैल्यू इट एंड देर गोइंग टू टेक केयर तो आपको अपनी रिस्क ऑफ प्रोटोकॉल क्या है आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या कर रही है यू शुड बी ओपन के वी आर डूइंग इट वी आर टेकिंगयर ऑफ यूर मनी इन बेटर वे रिस्क एपीटाइट एंड स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और फिर हमारी उसके बारे में स्ट्रैटेजी क्या है दैट इज वन ऑफ द कोअर कैपेबिलिटी जो कि रिक्वायर है टू डू अ गुड की आर एम रिस्क रिलेटेड डिसीजन एंड प्रोसेस कि इसमें हमारे कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं उसमें हमारी किस सिचुएशन में क्या डिसीजन कुछ आप प्री डिसाइड कर रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिकली आप ऑन सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं बट योर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर शुड बी वेल डिफाइंड रिस्क ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ओवरऑल रिस्क के फ्रेमवर्क को आपने पूरा बिल्ड करना है और ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाना है जिसमें हमने कहा था कमेटीज भी बनेंगी सी भी हायर हो तो वो प्रॉपरली

कल्चर एक डेवलप करना है हर बंदे को बताना है कि भाई रिस्क जो है ये हमारे पास आएंगे वी हैव टू डील विद दैम वी शुड थिंक ऑफ दैम वी शुड रिपोर्ट दैम वी शुड गेट दैम ऑन बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोग्रामिव दैट री इंसफोर्स स्ट्रॉन्ग रिस्क कल्चर आपको उसको सेमिनार करें उनको ब्रीफ करें उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए री बार बार री इन्फोर्समेंट एक दफ़ा कह दिया काफ़ी नहीं तो आपको इस पे पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंस देनी है वेट देना है फीडबैक लेना है गेट दैम ऑन बोर्ड पीपल शुड बी नोइंग कि हमने इसको कैप्चर करना है ऑल्सो ई आर एम इज चैलेंजिंग पोजिशन पर्टिकुलरली इन डायनमिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बढ़ता जा रहा है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज चेंज होती जा रही हैं तो इसका रोल है वहाँ पर लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा ई ERM आर एम को भी अपने आप को अपडेट करता है ई आर एम अपने फैक्टर्स को इट्स नॉट जस्ट कि एक दफा आपने बना लिया इन दैटे साइलेंट यू हैव टू मूव विद द चेंज इंडस्ट्री जैसे भी मैंने बात की थी अब आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन पोर्टल्स ऑनलाइन फाइनेंशियल इतने ज़्यादा आ गए तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी लो लेवल पर चल रही थी ये एक पूरे री में ई आर एम उसको हेल्प कर सकता है और उसको अपने बिजनेस में अचीव कर सकते हैं दो इज वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू